नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को क्या लाख, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रिग और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती की रविवार को मध्य प्रदेश के मुरैना में दोपहर 12 बजे जनसभा होने जा रही है। प्रदेश में उनकी ये दूसरी सभा है। याद है पहले 19 अप्रैल को रीवा में उन्होंने जनसभा को संबोधित करो। पार्टी ने मुरैना से रमेश चंद्र गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। वो यही महापार्टी में शामिल हुए हैं। गर्ग पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे, पर पार्टी ने सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दे दी और वो बसपा से लड़ गए। भाजपा से यहाँ शिव मंगल सिंह तोमर उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और भाजपा से क्षत्रिय वर्ग के उम्मीदवार होने पर बसपा ने जातिगत समीकरण देखते हुए ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट थे बसपा प्रत्याशी करतार सिंह को 129,380 यानी कि 11.38% वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है चुकी है, तो कांग्रेस ते 2 मई को प्रियंका गांधी की जनसभा को प्रस्ताव है। भाजपा और कांग्रेस के बाद अन्य कई दल ते मायावती पहली बड़ी नेता हैं जिनकी प्रदेश में चुनावी सभा है रही है। वाके बाद पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद की भी ग्वालियर चंबल या मध्य भारत में सभा को प्रस्ताव है। मत प्रतिशत के हिसाब से प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रदेश में खजुराहो और अन्य सीटों पर कांग्रेस के समर्थन में सभा को प्रस्ताव हो, पर अभी तक कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है। तीसरे चरण में शामिल कई सीट पर कांग्रेस के समर्थन में उनकी सभा संभव है। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। और नई वीडियो में फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।